नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगे। कानपुर में एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। कानपुर में बैठक करने के बाद में शाम को 6 बजे लखनऊ जाएंगे। 3 जुलाई को और भी बहुत सारे कार्यक्रम है जिनमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे और 4 जुलाई को वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आपको बता दें, 3 दिवसीय यूपी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर में एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। कानपुर में बैठक करने के बाद में शाम 6 बजे वो लखनऊ आएंगे और उसके बाद में 3 जुलाई को कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री। इसके अलावा 4 जुलाई को वापस दिल्ली के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। तो आपको बता दें, 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं। कानपुर में एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ वो महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अब तक अगर एयरफोर्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनकी ज़रूरत है या किस तरीके से टेक्नोलॉजी को और भी यहां पर आगे बढ़ाया जा सकता है। दुश्मन देशों के पास कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जिनके लेकर यहां पर वो बातचीत करेंगे कि भारत के कंपैरिजन में दूसरे कंट्री की अगर बात करें तो किस तरीके से भारत के एयरफोर्स को और भी मजबूत किया जा सके। इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर वो एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद में, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय दौरा है तो पहले दिन वो बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद में वो लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में भी कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। इसके अलावा अगर 4 तारीख की हम बात करें तो 4 तारीख को वापस वो दिल्ली रवाना होंगे। तो इस तरीके से 3 दिन उनके काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर यूपी की हम बात करें तो लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर भी तैयारियां वहां पर जोरों पर चलती हुई नजर आ रही है। हर कोई उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि रक्षा मंत्री आएंगे। तो इस दौरान जो एयरफोर्स के अधिकारी है वो भी उनका इंतजार कर रहे हैं। एयरफोर्स के अधिकारियों की ओर से तमाम लिस्ट यहां पर बनाई गई है उनके आगमन को लेकर कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर यहां बात कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं या कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं, ऐसे हथियार हैं जो हमें यहां पर सरकार की मदद से खरीदने हैं। तो वो तमाम लिस्ट यहां पर एयरफोर्स के अधिकारियों की ओर से भी बना दी गई है और उसी को लेकर अब हर कोई इंतजार कर रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे कानपुर तो उनसे बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दे उनके सामने रखे जाएंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर देहात से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग का शव मिला है। अर्धजला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस की ओर से मौका मुआयना किया गया, मामला दर्ज कर दिया गया है। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जेतापुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग का शव मिला है। अर्धजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस की ओर से मौका मुआयना किया जा रहा है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जेतापुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग का शव मिला है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से अधजला शव मिलने के बाद में लगातार लोगों का हुजूम जो है, भीड़ जो है वो वहां पर इकट्ठी हो गई है। आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा है कि ये शव यहां पर कैसे आया है। हालांकि अभी तक शव की पहचान भी नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। कानपुर से राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर फर्जीवाड़े के आरोप। फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपयों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। प्रगति ग्रीन एग्रो पैसा कमाने पर लोगों को असला दिखाकर यहां पर आरोपी धमकाता है। आलोक सविता ने नोबस्ता आवास विकास को लेकर यहां पर कुछ दिन पहले पूर्व जिला अध्यक्ष का हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था और उसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपयों की ठगी की वारदात सामने आ रही है और उसी को लेकर पैसा मांगने पर लोगों को यहां पर हथियार दिखाकर आरोपी धमका रहा है। आलोक सविता ने नोबस्ता आवास विकास को लेकर कुछ दिन पहले पूर्व जिला अध्यक्ष का हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर फर्जीवाड़े का आरोप यहां पर लगाया गया है।
ये हमारी एफडीआई है, इसमें पैसा मतलब पैसा हमारा मिला नहीं। क्या हुआ था, क्या कौन सी कंपनी है, कितना? मतलब प्रगति ग्रीन एग्रो प्रोड्यूसर। क्या स्कीम बताई थी इन लोगों? मतलब 2016 में आए थे कि मतलब बोला था कि मतलब छह साल नौ महीने में पैसा दुगना तिगना हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा। कितना पैसा जमा किया? हमारा 50,000 का मतलब 1.5 लाख होना था। कितने लोग हैं लगभग? 4.5 लाख का होना था। क्या मिला पैसा? पैसा भी नहीं मिला। क्या बता रहे हैं जो पैसा लेने का? पैसा टाल रहे हैं कि अभी आई नहीं, अभी समय नहीं है, समय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रवि, जानना चाहेंगे जो फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, लोग जो वहां पर दिखाई दे रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? प्रीति, ये एक राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं सविता, आलोक सविता। इन्होंने फर्जी तरीके से कंपनी बनाई थी प्रगति ग्रीन एग्रो प्रोड्यूसर नाम से, जिसके नाम ये नवस्था खेत में इन्होंने कंपनी का ऑफिस खोला था। तो कई मासूम लोगों से उन्होंने पैसा जमा कराया कि आपका पैसा दुगना कर देंगे, ब्याज के साथ पैसा देंगे जी। अब ये पैसा जब इनका मैच्योरिटी पूरी हो गई तो पैसा लेने गए, तो ये वहां पर लोगों को उन्होंने धमकाया और असला दिखाया, तो ये बेचारे घबरा गए, लोग वहां से वापस आ गए। आज ये लोग थाने गए, थाने पे इन्होंने एप्लीकेशन दी इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और थाने से भरोसा दिया गया कि इनकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने कोई भी FIR कोई भी दर्ज नहीं किया, रिपोर्ट दर्ज नहीं की। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, उनसे आपकी बात हुई हो, कितने दिनों से लगातार इस तरीके से फर्जीवाड़े का काम चल रहा था? ये पीती है कई कई सालों से इन्होंने फर्जीवाड़ा चालू किया हुआ था, और एक तरह से कई जगह इन्होंने अपने ब्रांचेस डाले हुए थे नवस्था के अलावा, कई क्षेत्र में कई और जगह ऑफिस डाले हुए, तो कई कई सालों से इनका फर्जीवाड़ा चल रहा था। जी दीदी जी, चलिए रवीश, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वृक्षारोपण 2021 कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल हमने 4 जुलाई को एक दिन में 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, प्रदेश के सभी विभाग इसमें अपना योगदान देंगे। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब जब हमने प्रगति के साथ खिलवाड़ की है फिर हमें दुष्परिणाम भी भुगतने पड़े हैं। ये महोत्सव सिर्फ एक पेड़ लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी लगन को बताने का वक्त है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यानी 1 जुलाई को अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सपा नेता और कार्यकर्ता गुरुवार से ही जगह जगह पर केक काटकर खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ करके उनकी लंबी आयु की दुआएं मांग रहे हैं। इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद अखिलेश यादव को फोन किया, सपा मुखिया को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स बैनर लगाकर लगातार जन्मदिन की खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दिए। तो आपको बता दें 1 जुलाई यानी कि भगवान का दिन कहा जाता है कि धरती के भगवान डॉक्टर्स हैं और उन्हीं का दिन है आज, उसी को लेकर देश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हैं और संबोधित कर रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना से लड़ाई में जितनी चुनौतियां आई हमारे वैज्ञानिकों डॉक्टर्स ने
उतने ही समाधान तलाशे प्रभावी दवाइयां बनाई। आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं। ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव वायरस के इन खतरों और चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। इतने दशकों में जिस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ था, उसकी सीमाएं आप भलीभांति जानते हैं। पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह नजरअंदाज किया गया था, इससे भी आप परिचित हैं। हमारे देश में जनसंख्या का दबाव इस चुनौती को और कठिन बना देता है। बावजूद इसके, कोरोना के दौरान अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण को देखें, मृत्यु दर को देखें, तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही है। किसी एक जीवन का असमय समाप्त होना उतना ही दुखद है, लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। साथियों, यह हमारी सरकार ही है जिसने हेल्थ केयर पर सबसे अधिक बल दिया है। पिछले वर्ष फर्स्ट वेव के दौरान हमने लगभग 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए आवंटित किए थे, जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिली। इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन 2 गुने से भी ज्यादा, यानी 2,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया। अब हम ऐसे क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए भी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए हैं। आज देश में तेजी से नए एम्स खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्स थे, वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हुआ है। मेडिकल कॉलेज की संख्या भी करीब 1.5 गुना बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि इतने कम समय में जहां अंडर ग्रेजुएट सीट्स में 1.5 गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है, वहीं पीजी सीट्स में 80% इजाफा हुआ है। यानी यहां तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष आपको करना पड़ा, वो कठिनाइयां हमारे युवाओं को, आपके बच्चों को नहीं उठानी पड़ेगी। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी हमारे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। उनकी प्रतिभा को, उनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी। मेडिकल सेक्टर में हो रहे इन बदलावों के बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्ष ही कानून में कई कड़े प्रावधान किए हैं। इसके साथ ही
हम अपने कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री इंश्योरेंस कवर स्कीम भी लेकर आए हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हो या मेडिकल व्यवस्था सुधारने का देश का लक्ष्य, इन सब में आप सभी को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उदाहरण के तौर पर, जब आप सभी ने पहले फेज में वैक्सीन लगवाई तो उससे देश में वैक्सीन को लेकर उत्साह और विश्वास कई गुना बढ़ गया। इसी तरह, जब आप लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए कहते हैं तो लोग पूरी श्रद्धा से उसका पालन करते हैं। मैं चाहूंगा आप अपनी इस भूमिका को और सक्रियता से निभाएं, अपना दायरा और ज्यादा बढ़ाएं। साथियों, इन दिनों एक और अच्छी चीज हमने देखी है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत आगे आए हैं। योग को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो काम आजादी के बाद पिछली शताब्दी में किया जाने चाहिए था, वो अब हो रहा है। इस कोरोना के काल में योग प्राणायाम का लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से निपटने में योग किस तरह मदद कर रहा है, इसके लिए आधुनिक मेडिकल साइंस से जुड़े कई संस्थानों द्वारा एविडेंस बेस्ड स्टडीज कराई जा रही है। इस पर आप में से कई लोग काफी समय दे रहे हैं। साथियों, आप लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और एक भारतीय को योग को समझना भी स्वाभाविक रूप से आसान होता है। जब आप लोग योग पर स्टडी करते हैं तो पूरी दुनिया इसे बहुत सीरियसली लेती है। क्या IIM इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा सकती है? योग पर एविडेंस बेस्ड स्टडीज को साइंटिफिक तरीके से आगे ले जा सकती है? एक प्रयास ये भी हो सकता है कि योग पर स्टडीज को इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किया जाए, उसे प्रचारित किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये स्टडीज दुनिया भर में डॉक्टर्स को, अपने पेशेंट्स को योग के बारे में और जागरूक करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। साथियों, जब भी हार्ड वर्क, टैलेंट और स्किल की बात आती है तो इनमें आपका कोई मुकाबला नहीं है। तो आपको बता दें, आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स को संबोधित कर रहे थे। उनकी ओर से जो कामकाज किए गए हैं कोरोना काल में, डॉक्टर्स की ओर से जिस तरीके से सराहनीय काम किए गए हैं, उनकी तारीफ भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, अगर आप मेरठ होते हुए दिल्ली से देहरादून की ओर आ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि बुधवार आधी रात से NH 58 स्थित सिवाया टोल से टैक्स की नई दरें बढ़ा दी गई है। दिल्ली से देहरादून आने जाने वालों को हाईवे पर इसी टोल से गुजरना होगा और NHAI ने टोल की दरों को 1 जुलाई से यहां पर चेंज कर दिया है। यहां अब तक वाहनों का न्यूनतम टोल टैक्स 85 रुपए था, जो कि अब बढ़ाकर 95 रुपए कर दिया है, और इसी तरह से अधिकतम शुल्क 500 रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 540 रुपए कर दिया गया है। स्थानीय निजी वाहनों का टोल टैक्स पहले की तरह ही 20 रुपए रखा गया है। हालांकि सभी व्यावसायिक वाहनों का टोल यहां पर बढ़ा दिया गया है। कार, जीप, वैन के टोल टैक्स में 10 रुपए की वृद्धि की गई है। वैसे टोल टैक्स वृद्धि की दरों के पीछे हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य और कोरोना के चलते टोल कंपनी को लगातार हो रहे नुकसान को लेकर ये कहा जा रहा है, उसी वजह से टोल टैक्स बढ़ाया गया है। कोविड के कारण कई दिनों से बंद सरकारी स्कूल अब धीरे धीरे खुलते हुए नजर आएंगे। इसके लिए गोरखपुर में स्कूलों में साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। गुरुवार से कक्षा 9 से 12 तक के सभी बोर्डों के माध्यमिक स्कूलों को खोले जाने का निर्देश यहां पर शासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं और इसी निर्देश के तहत छात्र छात्राओं को स्कूल आने की अनुमति
नहीं होगी, सिर्फ टीचर आएंगे और नामांकन सहित अन्य प्रशासनिक काम यहां पर करेंगे। वहीं पर ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह संचालित होती रहेगी। मिल रहे हैं विभाग द्वारा, उनसे सामग्री को बच्चों को दिया जा रहा है और उनसे फिर मोबाइल से संपर्क किया जा रहा है कि उनको जो है उसको समझने में क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको उनको बताया जा रहा है। जो ऑनलाइन भेजते हैं उसको जो है चेक किया जाता है और जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनके गार्जियन को जो है बुलाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि अब ये मैटर जो है मिला हुआ है, उसको जो है या तो किसी अपने आसपास घर के किसी के पास अगर एंड्रॉयड फोन है तो उसके मदद से वो दीक्षा ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप और प्रेरणा ऐप लोड करा लें। उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई को होने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और संयुक्त विपक्ष के बीच में कई जिलों में कांटे की टक्कर है। जनपद मुजफ्फरनगर भी उन जिलों में शामिल है जिसमें रालोद, सपा, आजाद समाज पार्टी और भारतीय किसान यूनियन का संयुक्त प्रत्याशी सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहा है। मगर चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी जिला पंचायत सदस्य पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर अपने पक्ष में वोट डालने का दबाव बना रही है। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकेत बुधवार की शाम को अचानक मेरठ रोड स्थित जिलाधिकारी के आवास पर पहुंचे। अधिकारियों से बातचीत के बाद में चौधरी नरेश टिकेत ने जिलाधिकारी आवास के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उन्होंने जिलाधिकारी और एसएसपी से जिला पंचायत का चुनाव निष्पक्ष कराने की मांग करी है जिसमें दोनों अधिकारियों ने उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दिया। जो जिला पंचायत सदस्य है इनके साथ में जबरदस्ती हो रही जी, तो जिले के डीएम साहब और साहब जिले के अधिकारी है, जिम्मेदार है, तो ना हमने यही कहा भाई निष्पक्ष चुनाव हो, हम किसी की सिफारिश नहीं करते जी, पर चुनाव निष्पक्ष हो अच्छी हुआ रहे बातचीत, कम से कम हम तो सारे कोई कहे बातचीत पर इस जिले की तो और एक अच्छी हुआ है जी। सदस्य है या बीडीसी सदस्य है फोन पर जो है जोर जबरदस्त। कानपुर देहात प्रशासन की नेक कारगुजारी के किस्से इस वक्त हर शख्स की जुबान पर है और लोगों के लिए मिसाल बनने का काम भी यहां पर कर रही है। इतना ही नहीं, तंगी के दौर से गुजर रहे लोगों के लिए मददगार भी साबित हो रही है। दरअसल लगभग एक महीने पहले अपनी दो बेटियों को शादी के बोझ तले और साथ ही लॉकडाउन की वजह से पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता की मौत के बाद दोनों बेटियां यतीम हो गई। अब शादी किसके सहारे हो इस बात की चिंता के साथ घर में मातम पसर गया। जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को हुई तो प्रशासन ने दोनों बेटियों की शादी कराने का जिम्मा ले लिया जिसके बाद कई समाजसेवी भी मदद के लिए आगे आए और सभी ने मिलकर दोनों बेटियों की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई। जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बारात की अगवानी करी है तो वहीं पर समाज सेवियों और रिश्तेदारों ने बारातियों की सेवा सत्कार किया। निवादा हमारा पलिया बांसखेड़ा का एक मजरा है, उसमें एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जिसका कारण ये बताया जा रहा था कि उनकी दो लड़कियों की शादी थी और वो इंतज़ाम शादी का न कर पा रहे थे, इसी टेंशन में उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस खबर का संज्ञान लिया जिलाधिकारी महोदय ने। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।